नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जिले में प्रेम में हत्या का एक मामला सामने आया, जहां शादीशुदा प्रेमिका ने पति संग मिलकर प्रेमी की हत्या करवा दी और साक्ष्य को छिपाने के लिए शव को ठिकाने लगाया था। पुलिस के एक विशेष अनुसंधान और पुलिस की कार्रवाई में आरोपी महिला रूबी कुमारी, पति सहित तीन को गिरफ्तार किया गया है। DSP व्यस्त अभिषेक आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। जी, क्या है पूरा मामला? 26 तारीख की रात को बरुराज थाना अंतर्गत कोरीगावा करके जगह है, वहाँ पे से एक खबर मिली। एक हमारे पुलिस थाने में बताया गया कि एक नवयुवक लापता है। उसकी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस खोजबीन में लग गई और अगले दिन उस नवयुवक की डेड बॉडी मिली। इसके बाद कार्रवाई करते हुए मैनुअल और टेक्निकल दोनों इनपुट पे तुरंत एक टीम वरीय अधीक्षक महोदय द्वारा बनाया गया, जो कि इन दोनों एंगल पे काम करेगी। उस टीम के द्वारा मृतक के मोबाइल नंबर को स्टडी किया गया, लोकल इनपुट लिया गया और उसके तहत खोजते खोजते जांच पड़ताल से हमें ये पता चला कि ये उस मृतक की बातचीत एक महिला से होती थी, जो जिस महिला की आज के समय में शादी हो गई थी, जो का पता करते हुए उसे अभिरक्षा में लिया गया और तब उनसे पूछताछ की गई, तो फिर इस पूरे घटना का उद्भेदन किया जा सका, जिसमें ये पता चला कि वो महिला और उसका पति, उसके भाई और उसके भाई के दो मित्र और उसके उसके पति का कोई दो मित्र था जिसे वो नहीं पहचानती थी, इन सब लोगों ने सुनियोजित ढंग से प्लान करके उस युवक को अपने घर बुलवाया महिला के थ्रू और उसके बाद कोरीगांव में वहीं पे चौर में उस युवक की गला दबा के हत्या कर दी और फिर वो लोग घटनास्थल से अपने अपने जगह के लिए फरार हो गए। और अब बात कर लेते हैं जहानाबाद की, जहां जहानाबाद सदर अस्पताल रण क्षेत्र में उस समय तब्दील हो गया जब ससुर और दामाद में जमकर लात घूंसे चलने लगे। वहीं इस दौरान अफरा तफरी भी मच गया। हुआ यह कि एक व्यक्ति अपनी बेटी का इलाज कराने जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचा। इस दौरान पत्नी से मिलने वहां पहुंचे युवक को पर ससुर को गुस्सा आ गया और इस दौरान दोनों के बीच लात घूंसे चलने लगे। दामाद आपका? हाँ, दामाद है। हमको कहाँ घर है? किशनपुर में घर है। ये बेटी के साथ मारपीट करता था? हाँ, बेटी का 5 बार 6 बार ये है। हॉस्पिटल में बेटी भर्ती है? भर्ती है, अभी भर्ती है हॉस्पिटल में। क्या नाम है बेटी का? बेटी का नाम है नीता देवी। आपका घर कहाँ हुआ? किशनपुर। इसका घर है जहानाबाद 1 नंबर चौकी पर। आपका खबर पालीगंज के सिगोड़ी थाना अंतर्गत विजियोली चाक गांव की है, जहां मोबाइल लोकेशन के आधार पर मोबाइल चोरों को पकड़ने पुलिस टीम गांव में पहुंची थी, जहां चोर पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ा लेकिन पुलिस ने एक खेत से 24 जिंदा कारतूस और 3 खोखा बरामद किया है, जिसकी पुष्टि सिगोड़ी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने की। हुआ यह कि पुलिस को देख एक महिला ने बेल्ट में भरे गोली को खेत में फेंक दिया। पुलिस कुछ समझ पाती तब तक महिला मौके से भागने में सफल रही। मसौढ़ी बाजार में शौचालय नहीं होने से आमजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिलाओं को विशेषकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बात करें तारेगना स्टेशन की तो परिसर में आमजनों के लिए बना शौचालय तो चालू अवश्य हुआ लेकिन बीते महीने उपद्रवियों ने इसे भी निशाना बनाया और इसे काफी क्षतिग्रस्त कर दिया। तब से लेकर अब तक इस शौचालय का पुनः मरम्मति या निर्माण नहीं कराया गया, जिससे आमजनों को काफी असुविधा हो रही है, खासकर महिलाओं को विशेष असुविधा हो रही है। स्थानीय लोगों ने इसे पुनः निर्माण कराने की मांग की है। हाँ, मसौढ़ी शौचालय नहीं है, जनता के बहुत काफ़ी तकलीफ है, खासकर महिलाओं के लिए। हम लोग बूथ जो हैं आते हैं बाजार, न शौचालय है, जो दंगा हुआ शौचालय का निशाना बनाया गया और जो चालू हुआ फिर दंगा हुआ फिर उसकी वापसी जब चालू नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग का सर प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द शौचालय चालू करने की करें, इसलिए हम लोग किए। जो है मसौढ़ी का इलाका है, मसौढ़ी में खास करके ये बाज़ार का जगह है, प्लेटफार्म से सटे नीचे तारेगना बाज़ार है, जिस जगह पर शौचालय बना है। कुछ दिन पहले यहाँ दंगा हुआ था और दंगा के पश्चात जो है आज तक नहीं खुला और पूर्ण रूप से यहाँ काफ़ी सामना करना पड़ता है कष्ट का, खास करके महिलाओं का। ये समझिए कि जगह लोकल बाज़ार अनुमंडल भर का है और ये बहुत बेहद स्थिति दयनीय कहा जाए, जो एक मसौढ़ी अनुमंडल में एक बाजार में जो है से कि शौचालय जो बना और आज तक बंद ही बंद है।
गया जिले के डुमरिया प्रखंड में तैनात आवास सहायक मनीष रंजन को पटना से निगरानी टीम ने 20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम की ओर से की गई कार्रवाई के बाद सहायक आवास मनीष रंजन को पटना ले जाया गया। निगरानी की कार्रवाई के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त रहा। मंझौली और सेवरा पंचायत का देखरेख का काम मनीष रंजन का ही था। शिव कुमार यादव जो टेपरा खुद डुमरिया प्रखंड के रहने वाले हैं, उन्होंने निगरानी में एक परिवाद दिया कि इनके पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मिला था। इनके बगल के मंझौली पंचायत के सुनील कुमार के भाभी पूनम देवी को भी मिला था। दोनों में 20 रुपये की डिमांड किया था कि आप दीजिए तो आपका दूसरा किस्त भुगतान कर देंगे। उसी में निगरानी द्वारा सत्यापन कराया, कांड को सही पाया गया आरोप को। उसी आरोप में आज हम लोग प्रखंड कार्यालय डुमरिया में गए थे और रुपया लेते हुए बरामद किया गया है 20,000 रुपया। बेगूसराय में पिछले 26 अगस्त से लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से एक तरफ जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे परेशान हैं, तो वहीं परिजन प्रशासन पर लापरवाही और सुस्ती का आरोप लगा रहे हैं। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव की है। परिजनों ने अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मेरा भाई था, हम तीन बहन एक भाई है, जो कि 12 बजे 26 तारीख के 12 बजे वो घर से निकला था दीरा जाने के लिए 26 तारीख को, लेकिन डेरा पे वो पहुँचा नहीं। घर वाले समझ रहे थे कि वो डेरा पे है और चाचा मेरे डेरा में, तो वो समझ रहे थे कि घर पे है। 26 तारीख को ना वो डेरा गया और ना घर पे था। उसके बाद 27 तारीख को हम लोग खोजना शुरू किए, जिसमें 27 तारीख को उसका मोबाइल ऑफ बता रहा था। हम लोग ने एक दो दिन अपने स्तर से खोजा। उसके बाद हम लोग 31 तारीख को हम तेघरा थाना में आवेदन दिए। तेघरा थाना में आवेदन देने के बाद आज उसका 12वां दिन है, लेकिन तेघरा थाना की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और अब बात कर लेते हैं बेगूसराय की, जहां ड्यूटी पर तैनात एक नौसैनिक की शहीद के बाद जिले में शोक की लहर फैल गई। मृतक जवान के घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया। बताया गया कि सिंघौल थाना क्षेत्र के रचियाही निवासी राम बहादुर भगत के बेटे विनोद कुमार निराला नौसेना में कार्यरत थे और वर्तमान में जबलपुर में अपनी सेवा दे रहे थे। वहीं अचानक विनोद कुमार निराला की तबीयत बिगड़ी और ड्यूटी के दौरान ही वे शहीद हो गए। कब से तबीयत खराब थी? 2-4 दिन से तबीयत खराब था। अचानक जबलपुर एमएच में एडमिट थे, फिर कल मॉर्निंग मेरे को फ़ोन आया था, हम भी एमसी में अभी मेडिकल बोर्ड में कैसे से रेफर करवाना है वहाँ दिल्ली, तो हम दिल्ली के लिए बात कर ही रहता है। 10 बजे फ़ोन आया कि वेट कर। आपका नाम सर? मेरा हवलदार संजय कुमार। गया में बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज में कर्मचारी भवन देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहा है। रोशनगंज पंचायत के सभी गांव से लोगों कर्मचारी भवन में खेत का रसीद कटवाने और जमीन का कागजात देखने के लिए आते हैं। भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।